जम्मू कश्मीर के कठुआ में इन दिनों आतंकवादी घात लगाकर सुरक्षा बलों पर हमला कर रहे हैं। इस आतंक हमले में 5 जवान शहीद हो चुके हैं जबकि 5 जवान घायल हैं। आपको बता दें कि पिछले एक महीने में यह जम्मू संभाग में हुआ छतवान में बड़ा हमला है जबकि कठुआ जिले में एक महीने से यह दूसरा बड़ा आतंकी हमला है। बताया जा रहा है कि हमला बिलावर के मचेडी किंडली मल्हार सड़क पर हुआ। यहां सुरक्षा बलों के 10 जवान सेना के वाहन से बंदनोता गांव के पास माचेडी किंडली मल्हार मार्ग पर नियमित गश्त पर जा रहे थे। आतंकियों ने मल्हार सड़क से सटी एक पहाड़ी पर पोजीशन ले रखी थी। जैसे ही सैन्य वाहन गुजरा आतंकियों ने घात लगाकर पहले ग्रेनेड फेंका और उसके बाद आधुनिक हथियारों से फायरिंग शुरू कर दी। हालांकि सुरक्षा एजेंसी का मानना है कि हमले में करीब 3 आतंकी शामिल थे। इतना ही नहीं, हमले के दौरान आतंकवादियों के साथ स्थानीय गाइड के भी साथ होने की आशंका जताई जा रही है। इस हमले की जिम्मेदारी आतंकी संगठन कश्मीर टाइगर्स ने ली है। संगठन का कहना है कि उसके कैडर ने इस मामले में MS-4 असॉल्ट राइफल स्नाइपर ग्रेनेड और दूसरे हथियारों का इस्तेमाल किया है। संगठन का कहना है कि यह हमला 26 जून को डोडा में 3 आतंकियों की हत्या का बदला है। कश्मीर टाइगर्स जैसे मोहम्मद से ही जुड़ी आतंकी संगठन है। इससे पहले इस संगठन ने जम्मू क्षेत्र में कठुआ रियासी और डोडा में भी हमले को अंजाम दिया था। बता दें कि आतंकियों ने 9 जून को रियासी जिले के शिवखोड़ी मंदिर से तीर्थयात्रियों को ला रही थी एक बस पर हमला किया था। आतंकियों की फायरिंग के बाद बस खाई में गिर गई थी। इसमें 9 लोगों की जान चली गई थी जबकि 41 लोग घायल हुए थे।